नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बेबर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद मेले का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शहीद भगत सिंह के भांजे सरदार जगमोहन सिंह मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। बेबर के शहीद मेला की शुरुआत बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहीद सरदार भगत सिंह के भांजे सरदार जगमोहन सिंह रहे। मीडिया के मुखातिब होते हुए मुख्य अतिथि सरदार जगमोहन सिंह ने कहा, मैनपुरी की धरती में 1922-1923 में इंकलाबी बीज बोया गया था, जिसमें गेंद्रलाल दीक्षित, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने इंकलाबी देशभक्ति का जज्बा दिखाया था। बाद में रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां के साथ काकोरी कांड में शहादत प्राप्त की थी। सरदार ने कहा कि मुझे खुशी है, शहीद मेला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस से शुरू होकर बसंत तक चलेगा। बच्चों के बसंती रंग पहनने पर जगमोहन जी ने खुशी जाहिर की। इस दरमियान जगमोहन ने कई देशभक्ति के किस्से सुनाए। शहीद मेला का आयोजन मुख्य अतिथि सरदार जगमोहन सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। कहना चाहते क्या संदेश? मैनपुरी जनपद जो है उसने एक इनकलाबी बीज 1922-23 में बोया, जिसमें गेंद्रलाल दीक्षित और रामप्रसाद बिस्मिल उस कॉन्स्टिट्यूसी, आजकल बहुत कॉन्स्टिट्यूसी होती है जी, उनको भी कॉन्स्टिट्यूसी केस में यहाँ किया था, क्योंकि उन्होंने ये लोगों में एक इनकलाबी जज्बा जो है वो पैदा किया जी। उसके बाद वही रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं वो अशफाक उल्ला के साथ ककोरी के जो कांड हुआ उसमें उनको शहादत हुई, और आज जैसे बच्चों ने बसंती रंग पहना है, मुझे ये खुशी है कि आपका मेला आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होगा और बसंत वाले दिन ख़त्म होगा, क्योंकि 10 तारीख को बसंत है। और इसकी एक छोटी सी कहानी है कि उन्होंने, मतलब रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रजेंद्र सिंह ने, ठाकुर रोशन सिंह और उनके बाकी साथी जो हैं, उनकी जब मुकदमा चल रहा था तो बसंत आ गई, तो उन्होंने कहा कि बसंत कैसे मनाई जाए, ताकि हम ये बताएं कि हमें कोई चीज़ डरा नहीं सकती, इवन मगर आपकी फांसी भी डरा नहीं सकती। तो उन्होंने ये गीत लिखा था चलते चलते कि रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वो उनकी भावना को आज बच्चे अपने सिर पे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक भारत भर में ही नहीं, शायद दुनिया में एक यूनिक मेला है जो 47वां साल चल रहा है। अब बहुत से बच्चे जो हैं इस मेले में पैदा हुए होंगे और इस स्पिरिट को आगे लेके चलते हैं, यही असल भावना है जिनसे हम अपने शहीदों को जो है अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और जगन्नाथ आज़ाद जी का एक जो शेर है शहीदों पे, वो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते। ये ज़िंदगी का प्यार है उनका, वो कोई फ्रस्ट्रेटेड लोग नहीं थे, वो प्यार था और उसके लिए वो हर कीमत देने को तैयार थे। मर कर भी दफन रह सकते नहीं, लाल फूल बन के वीरानों पे छा जाते हैं, जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। और इस मेले की इस साल की एक और खासियत है कि ये जलियांवाले बाग के 100 साल को भी याद कर रहा है, और उसमें मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग इतना निर्दयी बाग था कि वो 12 साल के भगत सिंह को भी उसके गाँव से वो वहाँ लेके आया। तो मैंने कहा कि भगत सिंह को वो कौन चीज़ लेके आए, क्योंकि उस वक्त भी दो कहानियाँ थी, क्योंकि नहीं ये लोगों की कहानियाँ हैं, इतने लोग नहीं मरे होंगे, अंग्रेज़ इतना तो बड़ा इंसाफ पसंद है, लेकिन उनके ही घर में मतलब दूसरी कथा चलती थी कि नहीं ये हुआ। तो मैंने कहा कि उनके दादाजी ने कहा था कि भगत सिंह किसी बात को सुन के नहीं मानना, उसको परख के मानना है, तो वो नौजवान परखने के लिए 12 साल की उम्र। और ये भी याद रखें कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, आज हमारे पास प्रमाण है कि उससे पहले रामनवमी और ईद भले हिंदू सिखों मुसलमानों ने इकट्ठे मनाई थी, और वो एकता जो थी उसने अंग्रेज़ को डराया था, अंग्रेज़ पागल नहीं थे लेकिन एकता से सब डरते हैं, और उन्होंने ये गोली चला, और उसी का देखिए कि इसका जो इवज़ है वो शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में दिया। तो उनका मेरे पास पत्र है कि हम सजा देना चाहते हैं, तो मारने के लिए नहीं मैं आया, अगर मैंने मारना होता तो उसको उसके फॉर्म पे भी मार सकता, और सज़ा पब्लिक में दी जाती है, और उसने जो अपना नाम दिया था वो था मोहम्मद सिंह आज़ाद।
वो अपने बाजू पे लिखा हुआ था। इसका मतलब आज जब हम जलियांवाले बाग को याद कर रहे हैं तो हमें लोगों की एकता को जो है याद करना है और उसको बढ़ावा देना है, अगर हम उन ताकतों से लड़ना चाहते हैं जिनके आज भी हम गुलाम हैं। ये भगत सिंह के का मतलब हमें अपना फैसला लेने की आज़ादी हुई थी, अपनी समस्याओं का समाधान करने की आज़ादी हुई थी। आज बदकिस्मती ये है प्रोफेसर साहब, भगत सिंह